हम देख रहे हैं 12th चैप्टर EVS का 3rd स्टैंडर्ड वर्क वी डू पोस्ट ऑफिस। हमें ये सब क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस, फिर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग चाय पिला रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल से डब्बा लेके आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, तो ये सब बातें हो रही है बच्चों। तो लेट अस सी कि बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है और ये क्या चल रहा है। लाइक अदर डेज रमेश वॉज डूइंग अ मेसन्स वर्क। तो वो जो है रमेश भाई साहब, वो हमारे घर बनाने का काम कर रहे थे। ही रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। हिज ब्रदर राजेश हु हैड कम फ्रॉम अ विलेज वॉज ऑल्सो विथ हिम। तो उनके साथ भी वो थे, ठीक है। चाय वाय नाश्ता वाश्ता करके वो वहाँ पहुँच गए। उनके भाई साहब राजेश भी आ गए थे। कौन कि इनके भाई साहब रमेश के। फिर बाद में उन्होंने क्या किया बच्चों, हु हैड कम फ्रॉम अ विलेज वॉज ऑल्सो विथ हिम द वर्कर एट द टी शाल गेव हिम अ कप ऑफ, क्या दिया उन्होंने, कप ऑफ टी दिया और सेड कि हियर इज योर न्यूज़पेपर और आपको पढ़ना हो तो। हाउ विल यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, राजेश बोले, राजेश ने आस्क किया, उनको पूछा। नो आई विल डू माई वर्क एंड लुक अराउंड हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आर गोइंग ऑन, रमेश बोले। तो उनको लगा कि चलो उनको हम न्यूज़पेपर दे देंगे तो वो पढ़ते रहेंगे, है ना, और चाय की प्याली में हो जाएगा। तो वो बोले नहीं, वन डज नॉट रियलाइज हाउ थिंग्स हाउ द टाइम फ्लाइज, लुक एट द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल, एवरी वन इज रनिंग, द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे, ओ इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन, अरे अरे टीचर का तो सैंडल ही टूट गया बेचारी का, तो शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर, जग्गू भाई उनको कीले ठोक के कील लगा कर ठीक कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, है ना। तो ये आपको नेक्स्ट पेज में दिखेगा क्योंकि मेरे पास आधा ही पेज है, पर आप तो देख सकोगे। तो चलिए अराउंड हाउ मेनी थिंग्स रमेश का हो गया, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। तो हमने देखा मैम की तो सैडल टूट गई, शी वॉज गोइंग तो जग्गू भाई के पास जाएंगे रिपेयर करेंगे, एंड ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बच्चों हमेशा बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता, हमेशा आप सिर्फ बोल बोल करोगे तो कुछ नहीं होता, आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन के ही पैसे होते हैं, बड़े लोग होते हैं वो काम नहीं करते, जैसे उनके हाथ खराब नहीं करते, मेसन के काम नहीं करते, वो सिर्फ ऑब्जर्व के पैसे लेते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। तो नेक्स्ट पेज हम देखेंगे क्या होता है, थर्ड पेज हम देखेंगे कि चंपा के साथ क्या हुआ। चंपा कौन है, चंपा इज सिटिंग देयर इधर बास्केट ऑफ फ्लावर्स, मतलब वो कौन है, वो है हमारी फूलों वाली बहन, है ना। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फॉर हर डेली, अभी कम हो गया लेकिन पहले सब लोग रोज फ्लावर्स लेते थे। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज बीन स्टार्टेड अगेन, द ट्रक इज बिगिनिंग ब्रिंगिंग मटीरियल, द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी फॉर द होल डे। तो ट्रक बहुत सारा सामान लाए, तो वर्कर जो है वो फिर आके बराबर उन्होंने क्या किया, आके ईटे वगैरह सब किया होगा काम, तो वर्कर्स विल बी बिजी अगेन फॉर द होल डे। तो लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर एंड राजी इज विद अ फ्रूट कार्ट, दिस डेज ऑल्सो ही ऑल्सो ब्रिंग्स ममता विथ हिम, ममता रन्स अराउंड डिलीवर्स फूड एंड कलेक्ट्स मनी, नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज
shop, but whom will he say? Right in the middle of the crossing stands Iqbal Singh. Throughout the day he blows his whistle and keeps shouting, "Move your vehicle from here." "Hey, have you not heard me?" they said. "Take the cart away." उन्होंने बोला, इकबाल जी आए राइट में से, फिर बोले कि देखो विसल कोई कर रहा है, शाउट कोई कर रहा है, तो व्हीकल यहाँ से, हटाओ यहाँ से। तो ये सब शोर होता है, ये शोर किस में होता है, मार्केट एरिया में होता है। सीइंग दिस रमेश पुट हिज डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू द नियर बाय शॉप। हाउ डू पीपल सेल देयर थिंग्स एट द क्रॉस रोड्स एंड वीकली मार्केट? डू दैट, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट द वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो डिफरेंट पीपल से क्या काम किया है वो आपको देखना है, ठीक है? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, आपको आए उतना लिखना, फिर तो मैं हूँ ही आपको लिखाने। तो 82 पेज पे, जैसे अगर मेसन है तो वो क्या करेंगे, दीवारों बढ़ाएंगे। अगर डॉक्टर है तो वो क्या करेंगे, पेशेंट्स को देखेंगे। तो ये सब आपको कार्य इधर लिखना है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू? एनी फाइव, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड? तो एक तो आपके लिए किया गया है, जैसे वर्क, व्हाट दे डू, तो रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स, तो वो कौन है, मैकेनिक। फिर आप दूसरा कौन करेंगे, तो देखिए वो कोई हीरा में है, तो कोई हीरा के वर्कर है, फिर कोई क्या करते हैं, डॉक्टर है तो वो पेशेंट्स को तपासते हैं, फिर कोई कारपेंटर है तो वो क्या करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं। तो जैसे इंसान वैसे उनकी काम कमाने की तीव्र इच्छा और उनका डेजिग्नेशन, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन इन द लिस्ट बिलो एंड द नेम्स ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो पुट्स द नेम्स ऑफ द बिल्डिंग दैट आर योर सराउंडिंग्स। तो आप बता सकते हो कि कौन से एरिया है आपके इर्द गिर्द, तो हॉस्पिटल है तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है? टेम्पल है तो आप टिक कर सकते हो, तो मेरे तो है तो मैं तो करूँगी टिक, है ना? बिल्डिंग्स हो तो आप पिंक करो, और अगर आपके पास नेम्स ऑफ द बिल्डिंग्स है सराउंडिंग्स में तो आप ग्रीन करो, ठीक है? तो ऐसे आपको करना है। जैसे मेरे घर के वहाँ टेम्पल है तो मैंने यहाँ टेम्पल कर दिया, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे टेम्पल कर दिया, तो वैसे आपको ये आपका भरना है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके घर के आसपास क्या है बच्चों, ठीक है? तो 83 पेज यहाँ पे हो गया। तो लेट अस टेक पेज नंबर 84। अब है थिंक एंड राइट, राइट द नेम्स ऑफ द फाइव बिल्डिंग्स एंड द ड्रीम्स एंड दे डू। तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है? अब सपोज बिल्डिंग का नाम है मॉल, सो एंड सो मॉल है, सेवन सीज मॉल है, तो उसमें क्या करते, कपड़े लत्ते खाना पीना सब आ गया, है ना? फिर दूसरी बिल्डिंग कौन सी है, हॉस्पिटल की तो आ गई, मॉल की तो आ गई। आप कौन सी बिल्डिंग्स होती है बच्चों, वो आप लिख सकते हो, और उसमें क्या काम चलता है वो आप भी लिख सकते हो। जैसे कोई होटल है बिल्डिंग, तो फिर उसमें खान पान रहना भी आप लिख सकते हो। इन दिस पिक्चर हाउ मेनी पीपल वर्क टुगेदर इन द बिल्डिंग, स्कूल इज ऑल्सो सच प्लेस वेयर पीपल वर्क, यस। तो राइट वर्ड इसको, वर्क इज डन इन स्कूल, तो स्कूल का भी लिखिए आप, टीचर्स क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम तो हमारे मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं करेंगे,
आपने देखा है टीचर्स कैसे काम करते हैं, तो आपको उस तरह से लिखना है, बोलना है. आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर इन स्कूल? व्हाट आर दे डूइंग? तो वो क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे, है ना. तो देखिए, आज हमने इतना पढ़ा लिखा समझ के, अभी आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है 5 times, रीड करना है, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स उस तरह से लिखना है. तो चलिए, हैप्पी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पेज नंबर 85 पे. बाय बाय.